स्टार्ट करते हैं है ना स्टार्ट अप तो आज बेसिकली विल टॉक अबाउट द एंटीजन ठीक है चलो इसको समझने से पहले ना पहले हम कुछ बातें करते हैं लाइक फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पहले तो तुम बताओ कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज वॉट अगर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को हमें तीन वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो क्या है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज वॉट वॉट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब किसी भी मतलब बॉडी में अगर सबसे पहले एंटीजन गया ठीक है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस गया तो हाउ डज इट प्रोसेस द थिंग्स कैसे कैसे क्या होता है एनी आइडिया यू हैव स्लो डिलेड एंड इट इज आई मीडिएटेड वेरी राइट पूर्वा यू आर परफेक्टली राइट इन दिस पर्टिकुलर वन सपना इज ऑल्सो फाइन सपना टॉपिक स्लो डिलेड एन आईजीडा एज वोल्ड अपसिकली अगर तुम्हें थ्री वर्ड में इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखो स्लो स्लग एंड शॉर्ट लिफ्ट ओके स्लो स्लगिश एंड शॉर्ट लिफ्ट दिस पर्टिकुलर वन इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब पहली बार हमारी बॉडी में लाइक एनी एंट्रजो ने फॉर जाता है तो उसके अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बॉडी like acts upon slowly, sluggish action, and the antibody which are produced up, they are short-lived. And obviously, as you have told, the antibodies are which one? IgM. Okay, the antibodies are which one? That is the IgM. Is it fine? So, first of all, we'll uh, talk about this, that how does it happens and which way the things goes. Secondary immune response. What is that? Secondary immune response in three words is what? so that is prompt powerful and prolonged okay prompt powerful and prolonged this is termed as secondary immune response and the primary immune response is what slow sluggish and short lived is it fine so these two things you should know first of all now malo koi antigen हमारी बॉडी में आता है ओके सपोज सम एंटीजन कम्स इन योर बॉडी विच आर द पर्सन एज वी कैन से विच आर द फेलोज विच विल मीटिंग अप दिस एंटीजन कौन मिलता है इससे बताओ जरा चैट बॉक्स में इफ सम एंटीजन थ्रू एनी ऑफ द रूट लाइक स्किन और एनी ऑफ अदर रूट अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको कौन मिलता है विच पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स विल बी लाइक चेकिंग अप दैट वॉट इज एंटरिंग अप इन अवर बॉडी यस प्लीज एनी तो जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है ना परफेक्टली राइट right, हमें कौन मिलता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मैक्रोफाइज ऑल ठीक है तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये क्या करते हैं ये इस पर्टिकुलर एंटीजन को मैक्रो लाइक दाइटोजिट ठीक है और इस मान लो कि एंटीजन एक तरह से इस तरह से एक पेप्टाइड है तो व्हाट दे डू इज चॉप दिस इंटू नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट ठीक है और फिर वो अपने सर्फेस के ऊपर इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को लेकर जाते हैं सर्फेस ऑफ दिस और उसके साथ साथ दियर दिस पर्टिकुलर एमएचसी ओवर दीपीसी यू ऑलरेडी नो एमएचसी वन जो है सारे न्यूक्टर सेल्स के ऊपर होता है एमएससी टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होता है और एमएससी थ्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर होता है दैट इज सी टू एंड सी थ्री एंड टी एन एफ

डल कोई भी हमारी बॉडी में बाहर से अगर एंटीजन आया उसको कौन हैंडल करता है सी डी फोर सेल्स ठीक है और कैसे इस पर्टिकुलर पेप्टाइड फ्रेगमेंट में एमएससी टू में ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर स्टफ ये जाके सी डी फोर टी सेल्स के पास जाता है और सी डी फे टी सेल्स को एक्टिवेट करता है ठीक है सो दिस यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल दट एक्सोजीनियस एंटीजन बॉडी दे मोस्टली हैंडल्ड बाई विच फेलोज सी डी फोर टी सेल्स तो ये चीज पहले तो याद होनी चाहिए कि सी डी फोर टी सेल्स उनको हैंडल करता है जो कि एमएससी टू पर्टिकुलर टी टी सेल्स ठीक है, इसके बाद? इसके बाद है और टी मेमोरी सेल्स को यू कैन टेक दम एज फोटोग्राफर्स ये क्या है हमारे बॉडी के फोटोग्राफर्स तो ये क्या करते हैं इस पर्टिकुलर एंटीजन का जिसने जरूरत करी अंदर घुसने की हमारे बॉडी में इसकी ले लेते हैं फोटो, बेसिकली टी बॉडी के Photographers, okay? What they are? Photographers of ours, body. तो ये जो है इस की फोटो लेते हैं हर एंगल से. तो जब ये हर एंगल से फोटो लेते हैं तो शुरू में टाइम लग जाता है तो इसीलिए पहला जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या है स्लो okay? वो क्या है स्लगिश ठीक है तो लेकिन इन्होंने अपनी मेमोरी में बसा लिया अब ये क्या करेंगे यहां से रिलीज कराएंगे साइटोकाइंस यहां से यह रिलीज कराएंगे वेरियस साइटोकाइंस और जब ये साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे बी सेल्स को एक्टिवेट ओके ये क्या करेंगे बी सेल्स को एक्टिवेट activate और एक्टिवेटेड बी सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों प्लाज्मा सेल्स ठीक है और प्लाज्मा सेल्स क्या बनती है एंटीबॉडीज और यहां पर कौन सी बनेंगी आईजीएम ये नो क्योंकि किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले क्या बनता है दैट इज द आईजीएम so this is what is there that antibodies will be produced up and which one that is the igm okay ab exogenous antigens ko kon handle kar raha hai hamare cd4 t cells aur endogenous antigens jo hain hamari body ke okay endogenous antigens kya hue जो हमारे ही normal cells थे वो हमारे against हो गए तो that is endogenous antigens जिनकी वजह से मतलब ऑटोम्यूनिटी होती है तो पता ही होगा तो that is endogenous antigens ये जो है ना ये इनके ऊपर यू ऑलरेडी नो दैट विच पर्टिकुलर एमएचसीटली वन तो जो जो तो गद्दारी कर जाते हमसे उनको उनको कौन करता करता है उनको हैंडल करता है हैं टी सेल्स तो इन पर्टिकुलर चीज से हमें एक, एक चीज पता लगती है वो क्या चीज पता लगती है कि वन इंटू एट इज एट एंड टू इंटू फोर इज एट वो दिस इज बेसिकली द रूल ऑफ एट मीन जो भी चीजों के साथ आएंगे उनको हमेशा कौन हैंडल करेगा सी डी फोर टी सेल्स और जो भी एम एच सी वन के प्रीडोमेंट वाले आएंगे उनको कौन हैंडल करेगा सी डी एट टी सेल्स ठीक है और इसी पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं एमएचसी रिस्ट्रिक्शन ठीक है तो जो हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है एमएससी रेस्ट्रिक्शन एंड ऑल तो ये है कि कभी भी जो एमएससी टू प्रीडोमेंट वाले एपीसी के साथ आते हैं उनको कौन हैंडल नहीं करेगा सी डी एट टी सेल्स और जिसके पास एमएचसी वन है उनको कौन हैंडल नहीं करेगा सी डी फोर टी सेल्स रूल कि एमएचसी टू वाले प्रीडोमेंट वाले कौन हैंडल करेगा सी डी फोर टी सेल्स और एमएससी वन वाले कौन हैंडल करेगा सी डी एट टी सेल्स वुड बी कंप्लीट द रूल ऑफ एट एंड इज दू इंटू फोर इज एट वन इंटू एट इज एट

T -cells, और जो हमारी बॉडी के गद्दार हैं जो हमारे सेल्स थे उन्होंने कौन हैंडल करता है सी डी एट टी सेल्स ठीक है उनको कौन हैंडल करता है और अभी हमने बात करी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अब इससे समझ में आया तुम्हें कि क्यों होता है वो स्लो क्यू होता है वो स्लगिश और क्यों होता है वो शॉर्टलिफ्ट ट्रिपल एस क्या मतलब हुआ देखो टी मेमरी सेल्स है हमारे फोटोग्राफर्स ये लगते हैं टाइम तो जब ये टाइम लेते हैं तो क्या होता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या हुई कि मतलब टाइम लग गया तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बिकम्स बिकम्स व्हाट व्हाट स्लो दिस स्लगिश फाइन और इसमें जो आईजीएम एंटीबॉडी बनी दोस्तों ठीक है आईजीएम एंटीबॉडी जो बनी वो थोड़े टाइम के लिए ही काम करती है उसके बाद वो खत्म हो जाती है फाइन और उनका ना स्विच ओवर भी नहीं होता टू द आईजीजी प्रॉपरली तो ये भी प्रॉब्लम है अब दूसरी बार अगर कोई एंटीजन आने की कोशिश करता है चाहे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो ना हो लेकिन पहले से कौन बैठा है टी मेमोरी सेल्स ठीक है वो गएंगे भैया आओ तुम्हारा स्वागत है तुम्हारा ही तो इंतजार था ठीक है तो उसमें एक्शन कैसा होगा पावरफुल ओके प्रॉम्प्ट एंड इस बार जो एंटीबॉडीज बनेंगी ना वो लॉन्ग टाइम के लिए बनेंगी तो दैट इज पावरफुल प्रॉम्प्ट एंड प्रोलॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी और इस बार भी अगर कोई पूछे कि कौन सी एंटीबॉडी पहले बनेगी दोस्तों बनेगी आईजीएम ही हमेशा क्या बनेगी आईजीएम ही बनेगी वो आईजीएम जो है ये जरूर है कि इस बार वो किसमें चेंज होगी आईजीजी में और इस पर्टिकुलर चीज को ही क्या बोलते हैं यस कैन यू टेल मी शशांक इज टेलिंग नोन एज क्लास स्विचिंग एंड इज परफेक्टली राइट दिस इज वॉट इज टर्म एज क्लास स्विचिंग ठीक है yes. <laughs> और इसी क्लास स्विचिंग का साइंटिफिक नाम क्या है टाइप स्विचिंग is, इसका नाम क्या है टाइप स्विचिंग ठीक है अब तुम तो मुझे बताओ दिमाग लगा के क्योंकि तुमने एंटीबॉडीज भी पढ़ ली होगी जब तुमने एंटीजन पढ़ लिया तो यू शुड आल्सो अब ये बताओ कि जो एम है वो जी में बदली म्यू गामा में बदली तो चेंज कहां पे आया वेयर द चेंज इज देयर your options are heavy chain constant portion heavy chain variable portion okay light chain variable portion light chain constant portion yes please shishank have told heavy chain constant anybody else wants to try up yes anybody else wants to try up for this yes please that where the change happens is it in the heavy chain or the light chain the answer is

कि कहां पे चेंज आता है इन द हेवी चेन कांस्टेंट पोर्शन इज इट फाइन तो ये पर्टिकुलर चीज भी तुम्हें क्लियर होनी चाहिए एंड दिस इज इज व्हाट स्विचिंग अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है मतलब मान लो कि आपने कोविड की वैक्सीन ली ठीक है कोविशील्ड ली या कोवैक्सिन ली जो भी लिया ठीक है तो उसमें हमेशा दो डोज क्यों देते हैं वाई वी टेन टू गिव द टू डोजेस पहले से हमारी बॉडी में जो पहली डोज ही उससे क्या इंड्यूस हुआ ठीक है और जो हमने सेकेंड वाली डोज ली उसी से आना है क्या एस आई आर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इट चीज से आना है और पहले से क्या आना है पी आई आर तो ये चीज भी आई सपोज क्लियर टू यू कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ने एंटीबॉडीज इंड्यूस करी ठीक है विच आर ऑब्वियसली शॉर्ट लिव्ड एंड ऑल और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा इसने एंटीबॉडी का टाइटर एक अलग लेवल पे ले गया कि अगर वो कम भी होते हैं तो लेटर ऑन टेक एंड ऑल और ये चीज एक्सप्लेन करती है कि हम पोलियो में बार बार उस बच्चे को क्यों जो है दो आते थे कि उसकी एंटीबॉडी का टाइटर उस लेवल पे पहुंच जाए ठीक है कि मतलब जो है वो जिंदगी भर के लिए काफी हो सो दैट इज वॉट इज द लॉजिक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग समझ में बात कि हम क्यों बार बार उसको मतलब वैक्सीन देते हैं क्यों वो दो बोन जिंदगी पिलाते हैं बार बार उसका रीजन ये है कि हम क्या इंड्यूस करना चाहते हैं इतनी बार सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कि उसकी एंटीबॉडी का टाइटर उतना हाई हो जाए कि मतलब जो है उसको जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए ठीक है इज इट फाइन शशांकन पूर्वा तो दिस इज वॉट इज लॉजिक ओके अब बताओ वॉट इज एन एंटीजन एंटीजन होता क्या है वॉट इज एन एंटीजन यस प्लीज वट इज एन एंटीजन टेल अप इन द कमेंट सेक्शन वॉट इज एन एंटीजन क्या होता है एंटीजन तो एंटीजन क्या होता है एनी फॉरन सब्सटेंस ओके एनी फॉरन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में गया ठीक है जो हमारी बॉडी में गया और क्या बनाया उसने एंटीबॉडी ओके okay? तो एंटीजन विच हैव गॉन इनटू अ अवर बॉडी एंड इंड्यूस इज अट एंटीबॉडी अंडर ऑप्टिम कंडीशन ओके अंडर ऑप्टिम कंडीशन ठीक है एंड वॉट इज द ऑप्टिम कंडीशन द ऑप्टिम कंडीशन इज द प्रॉपर पीएच एंड द प्रॉपर टेम्परेचर दैट इज वॉट इज टर्म्ड एज द ऑप्टिम कंडीशन द प्रोपर पीएच एंड द प्रॉपर टेम्परेचर जब ही वो क्या इंड्यूस करेगा एंटीबॉडीज ठीक है जब जबी वो क्या इंड्यूस करेगा एंटीबॉडीज दैट इज वॉट इज टर्म एज एंटीजन ठीक है अब यहां पे ना एक चीज है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी क्या होता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी ये होता है कि मतलब मान लो कि पहले से एंटीबॉडीज बनी हुई है तो सम पर्टिकुलर बुक्स वॉट दे डिफाइन अप एंटीजन की एंटीजन इज दैट पर्टिकुलर थिंग विच लाइक रिएक्ट्स विद रियक्ट अपटिकुलर प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज ठीक है तो तो बेसिकली उसने कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ लेकिन हाँ एक वर्ड तुम्हें याद होना चाहिए दैट इज टर्म डॉट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी तो इसको इस तरह से भी मतलब वो पूछ सकते हैं कि इमोलॉजिकल रिएक्टिविटी इज वॉट सो बेसिकलीजन गोज इन टू द बॉडी अंडर प्रॉपर ऑप्टिमल कंडीशन टेम्परेचर वॉट इंड्यूज इट इंड एंटीबॉडीज इज इट फाइन सो दिस वे यू शुड नो दिस अदर देन दैट यू हैव अ पर्टिकुलर थिंग टर्म डेप्टन ओके सो वॉट इज अप्टन गाइज

ये क्या इंड्यूस नहीं कर पाएगा इट कुड कुड नॉट नॉट एबल एबल टू इंड्यूस इट टू इंड्यूस एंटीबॉडीज ये इंड्यूस नहीं कर पाएगा एंटीबॉडीज इंड्यूस नहीं कर पाएगा तो अगर इसको इम्यूनोजेनिक बनना है और एंटीबॉडीज बनानी है तो क्या रखना पड़ेगा इसके पास क्या होना चाहिए कैरियर प्रोटीन क्या होना चाहिए इसके पास कैरियर प्रोटीन ठीक है तो अगर इसको कैरियर प्रोटीन मिल गया तो देन इट बिकम्स कंप्लीट और फिर ये क्या इंड्यूस करता है एंटीबॉडीज फिर ये क्या इंट्यूज करता है तो ये भी चीज क्लियर होगी तो इंटीयूज होता है मतलब जब उसको मिल जाता है वो तो एंटीबॉडीज इज इट फाइन और इसी तरह का कुछ मैकेजम जो है कहा किस हाइपर सेंसिटिविटी में काम करता है बताना जरा जिसमें कि एक इनकम्प्लीट एंटीजन है और इसको कैरियर प्रोटीन मिल जाता है कौन सी हाइपर सेंसिडी में काम करता है गेस करो अगर नहीं पता तो जस्ट ट्राई दैट इन विच पर्टिकुलर वन इट हेल्प्स अप यस प्लीज कौन सी हाइपर सेंसिडी में काम करता है ये बताओ बताओ शशांक बताओ सपना बताओ टेल ट्राई टू टेल यस प्लीज प्रिया हैव आल्सो जॉइंड जो दूसरे वाला होता है क्या कहते हैं जिसमें होता है कैरियर प्रोटीन और जैसे एक एग्जाम्पल है ना टाइप फोर हाइपर सेंसिटिटी का याद हो कॉन्टेक्टर्मेटाटिस ठीक है तो उसके अंदर हमें मतलब स्किन के कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है टू बिकम वॉट टू इंड्यूस द एंटीबॉडीज इन ऑल तो बेसिकली जब ही वो कॉन्टेडाइटिस कर पाएगा नहीं तो वो कर ही नहीं पाएगा सो दिस इज इज द लॉजिक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉफ ठीक है तो टाइप फोर हाइपरसेंसिटीज का आंसर है राइट अब बात करते हैं यहां पे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं ओके विच ऑल द फैक्टर्स विच एफेक्ट द इम्यूनोजेनेसिटी ऑफ एन एंटीजन ओके विच ऑल फैक्टर्स आर देयर विच एफेक्ट द इम्यूनोजेनेसिटी ऑफ एन एंटीजन ठीक है बताओ भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एन एंटीजन को अफेक्ट करते हैं पहला यस yes. क्या मोर द मोलिकुलर वेट ओके एंड वैलेंसी मोर इट इज इम्यूनोजेनिक ठीक है जितना ज्यादा मॉलिकुलर वेट ऑफ बैलेंसी होगा उतना ज्यादा ही वो क्या होगा इम्यूनोजेनिक मोर इट विम्यूनोजेनिक सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट विच यू नीड टू नो ओके यूर टोल्ड फाइन फॉरनर्स ये विल डिस्कस दैट ओके सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट इज वॉट सेकेंड वन इज कि वो जो एंटीजन हमारी बॉडी में घुसा है वो बना किसका हुआ है इज इट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ठीक है इज इट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इज इट मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेनली ओके इज इट मेड अप ऑफ लिपिड्स और इज इट मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओके इज इट मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड सो बेसिकली वॉट दिस इज टर्म दिस इज टर्म ड नेचर ऑफ सब्सटेंस इसको क्या बोला जाता है नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब वो जो एंटीजन हमारी बॉडी में घुसा है वो है किस चीज का बना हुआ आइदर इट इज प्रोटीन आइदर इट इज कार्बोहाइड्रेट आइदर इट इज लिपिड और आइदर इट इज न्यूक्लिक एसिड ओके अब इससे एक चीज तो प्रूव होगी कि सबसे अच्छे एंटीजन कौन होते हैं प्रोटीन्स और सबसे बेकार एंटीजन कौन होते हैं न्यूक्लिक एसिड ठीक है अब तो मुझे बताओगे कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूक्लिक एसिड वर्क एज एन एंटीजन न्यूक्लिक एसिड जो है वो एंटीजन की तरह काम करता है वो वाली बताओ किस पर्टिकुलर डिजीज में ऐसा होता है आंसर इज एस एल ई ओके एंड वॉट इज एस एल ई सिस्टमिक लूपस एरिमेटोसिस और अगर तुम्हें याद हो तो उसमें एंटी न्यूक्लियर एंटी डबल डीएनए ठीक है ये सारी चीजें होती है ना तो वो इसके अगेंस्ट ही तो बनती हैं

ज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड ओके कौन सी होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड ठीक है तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया तीसरा पॉइंट आता है तीसरा पॉइंट आता है टिश्यू इंजाइम रिस्पॉन्स ओके okay? तीसरा पॉइंट आता है टिश्यू इंजाइम रिस्पॉन्स की तुमने भी कोविड वैक्सीन ली मैंने भी कोविड वैक्सीन ली अगर मेरे टाइटल्स देखोगे तुम कोविड एंटीबॉडीज के वो तुमसे अलग होंगे ठीक है सेम चीज जो है मतलब अगर हम देखें हेपेटाइटिस में सब फर्स्ट ईयर में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेते हैं शायद तुम सबने भी ली होगी ली है ना सबने तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो तो तुमने भी ली है मैंने भी ली है अपने उसमें फर्स्ट ईयर में और तुमने भी ली है लेकिन तुम्हारे टाइटल अलग हैं और मेरे टाइटस अलग हैं अच्छा स्टिल नॉट तो दिस इज लाइक यू शुड यू शुड हैव इट ओके सो दिस इज मैंडेटरी एक्चुअली फॉर अ हेल्थ केयर वर्कर You should have the hepatitis B vaccine with all the doses zero one six मतलब एक पहले दिन zero फिर एक महीने बाद और फिर छह महीने बाद और उसके बाद अपना anti HBS titer भी कराना है और anti HBS titer जो है वो कितने से ज्यादा होना चाहिए अगर आप hepatitis B से अपने को prevented मानते हैं yes what ten anti HBS का जो titer है वो कितने से ज्यादा होना चाहिए टेन सर वी आर गोइंगेक हाँ यू हैव टू यू हैव टू ओके सो दिसन मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल दैट शुड बी योर टाइटर्स इतने टाइटर होने चाहिए जब ही तुम अपने आपको क्या बोलोगे प्रोटेक्टेड अदरवाइज यू कान टेल यूरसेड अगेंस्ट दी एंड दिस इज मैंडेटरी यू शुड है फ्रेक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड ओके कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ठीक मतलब अगर बहुत छोटा सा एक्सपोजर होता है ना किसी भी चीज का तो वो भी एक प्रॉब्लम है तो मतलब इसके लिए तो भैया तुम ले ही लेना दैट यू शुड टेक अपना मतलब बेटर है कि अगर ले लोगे तो दैट विल बी गुड ठीक है तो फॉरेन में तो भैया बिना हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के काम ही नहीं कर सकते आप यू कैन वर्क इन द फॉरन कंट्रीज विदाउट है बी वैक्सीन इंडिया है कि सब चलता है लेकिन प्रॉब्लम है दैट इज अ प्रॉब्लम ठीक है और मतलब तुम्हें ले लेना चाहिए आई सपोज सो सो टिश्यू एंजाइम दैट अप कि मतलब जो है किसके टाइटस कैसे होंगे और इसी में ना हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन में ही मतलब लेने के बाद लोग सोचते हैं कि मैंने पूरा ले लिया जीरो तो टाइटस नहीं कराते एन टी एच बी एस टाइटस नहीं कराते तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई जब वो नहीं कराते ना उनको ये नहीं पता लगता कि इंड्यूस हुई भी है नहीं हुई क्योंकि क्या होता है कुछ तो बड़े अच्छे रिस्पोंडर्स होते हैं मतलब उनको हम वाकई बोलते हैं क्या रिस्पोंडर्स कि मतलब उनके एंटीजे जो है चार सौ पहुंच रहे हैं पांच सौ पहुंच रहे हजार पहुंच रहे हैं वो तो एकदम कर जाएंगे जीरो के बाद लेकिन कुछ होते हैं स्लो रिस्पोंडर्स मतलब कभी कभी आपको बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ती है और बूस्टर डोज के बाद उनके टाइटर्स बढ़ते हैं तो दैट ऑल्सो इन नो और कुछ होते हैं नॉन रिस्पोंडर्स मतलब वो रिस्पोंड ही नहीं करेंगे आप उनको कितना मर्जी दे लो ठीक है आप उनको बूस्टर भी दे दोगे जब भी उनके एंटीबॉडी टाइटर्स नहीं बनने वाले तो यह है एक प्रॉब्लम दिस इज इज प्रॉब्लम तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं कहीं इस कैटेगरी में तो नहीं हूं कि मैं नॉन रेस्पॉन्डर हूं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो दैट यू शुड नॉट बी वॉट यू शुड नॉट बी अ नॉन रेस्पॉन्डर ठीक है तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं नॉन रेस्पॉन्डर तो नहीं हूं कहीं पता लगा मेरे टाइट मेरे सारी एंड वो ले रखी है जीरो वन सिक्स और मेरे तो कुछ टाइटर्स ही नहीं बड़े तो ऐसा भी होता है ठीक है तो ये कौन डिसाइड करता है हमारा टिश्यू एंजाइम एंजाइम और टिश्यू किस चीज पे पे डिपेंड करता है अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो दैट पर्टिकुलर थिंग मतलब अगर आप जैसे नॉन रिस्पॉन्डर निकले ना तो अपनी फैमिली में ट्रेस करना कि पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये चीज मिलेगी फॉर श्योर ठीक है तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेस्ड ऑन योर जेनेटिक रिकॉन्स्टिट्यूशन तो ये पर्टिकुलर थिंग इज लाइक हाउ डज इट टू द यूट रिस्पॉन्सटेंसेज इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स यू कॉल एज योर जेनेटिक मेकअप दैट पर्टिकुलर टिश्यू ठीक है फोर्थ पॉइंट यहां पे जैसे सपना ने बोला था फॉरेननेस फॉरेननेस ठीक है कितना फॉरेन है वो एंटीजन हमसे ठीक है अब अगर तुम ध्यान करो कि मतलब अगर हमें मान लो किसी पर्टिकुलर प्लांट पोलन ग्रेन से एलर्जी है ठीक है तो उसके अगेंस्ट सो नॉन विन डू नाउ तो वो कुछ नहीं कर सकते बस, उनके मतलब मतलब ठीक है? लेनी ही पड़ेगी मतलब कि और किसी भी पेशेंट के पास मत जाओ भाई यही कर सकते हो कि दैट टाइटर्स आर नॉट इंक्रीज शुड नॉट गो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, है. इसलिए तुम अपना ना अलाइजा कराओ फॉर एंटी एचबीएस टाइटर्स तो इससे तुम्हें एटलीस्ट आइडिया आएगा कि हाँ भाई मुझे मतलब ऐसे क्रिटिकल केस को देखना भी है या दूर रहना थोड़ा सा मतलब किसी और की हेल्प लेनी है ऑब्वियसली ठीक है और अगर किस्मत खराब हुई कि मतलब पता ही नहीं है कि ये है या नहीं है तो भाई वो तो प्रॉब्लम है ही फिर है ना तो मतलब जब भी कुछ ब्लड ब्लड सैंपल्स लो एज इंटर्न एंड ऑल तो मतलब देख लो यू शुड सी अप दिस पर्टिकुलर थिंग कि हाँ भाई इसका टाइटर मतलब ये इसको स्पेशल ट्रीट तो नहीं कराया जा रहा कहीं तुमने मतलब नोट्स ही ना देखे और उसके साथ अंदर सारी प्रिकॉशन विकॉशन ली जा रही है और तुम ही जाके बिंदास निकाल रहे हो तो वो सारी चीजें लिखी होती है मोस्टली तो वो देख लेना दैट तो इज ठीक है अब फॉरेननेस की बात आ रही है तो फॉरेननेस मतलब जितना ज्यादा वो हमसे फॉरेन होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा एंटीजेनिक तो फॉरेननेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एंटीजेसिटी ठीक है मतलब उतना ज्यादा वो एंटीबॉडीज बनाएगा तो फॉरेननेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एंटीजेनेसिटी लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेननेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एल्स आल्सो हाइपरसेंसिटिविटी ठीक है मतलब आप ह्यूमंस के अंदर रेबीज का इक्वाइन वाला जो है इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हो ठीक है दे सकते हो बिल्कुल दे सकते देते ही हैं मतलब क्योंकि वो सस्ता आता है और सरकार इम्यूनोग्लोबुलिन लेकिन अगर आपने टेस्टिंग नहीं करी हाइपरसेंसिटिविटी वाली तो प्रॉब्लम है

तो बेसिकली वो हमारी बॉडी में जाएगा इमनोग्लोबिन तो वो भी एंटीजन की तरह काम करेगा ना भले ही वो एंटीबॉडी हो लेकिन हमारे बॉडी में जब जाएगा तो इट बिहेव लाइक वॉट इट बिहेव लाइक एंटीजन ठीक है तो फॉरननेस इज डायरेक्टली पोपोर्शनल एंटीजेंसिटी लेकिन फॉरननेस की एक और प्रॉब्लम है कि वो हाइपर सेंसिटिविटी से भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है इज इट फाइन सो ये है बेसिकली चार इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि डिसाइड करती हैं आपका इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ फॉरेन सब्सटेंस ठीक है